बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आइए, नंबर 1 क्वेश्चन है, इरिटेशन कॉज बाय स्टिमुलस इज द मेन कॉज ऑफ ए ट्रॉपिज्म, बी मूवमेंट, सी लोकोमोशन, डी आर्थराइटिस। यानी इरिटेशन जो किसी स्टिमुलस की वजह से हो तो वो क्या कॉज करती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मूवमेंट। नंबर 2, द फ्रेमवर्क विच गिव्स शेप टू एनी स्ट्रक्चर कॉल्ड, वो फ्रेमवर्क जो किसी चीज़ को स्ट्रक्चर देता है, किसी लिविंग बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, वो क्या है, ए आर्किटेक्चर, बी बोन, सी कार्टिलेज, डी स्केलेटन। सो द करेक्ट आंसर इज डी स्केलेटन। नंबर 3, द कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड, कार्टिलेज कौन से सेल्स के बने होते हैं, ए ऑस्टियोक्लास्ट, बी ऑस्टियोसिस्ट, सी कॉन्डियोसाइट्स, डी जेनोसाइट्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी कॉन्डियोसाइट्स, यानी कार्टिलेज बने होते हैं कॉन्डियोसाइट सेल्स के। नंबर 4, द हेड ऑफ फीमर अटैच्ड विद ए पेल्विक गिर्डल, बी पेक्टोरल गिर्डल, सी स्कैपुला, डी एसिटिपुलम ऑफ पेल्विक गिर्डल। सो द करेक्ट आंसर इज ए पेल्विक गिर्डल, यानी जो फीमर का हेड होता है वो पेल्विक गिर्डल के साथ अटैच होता है। नंबर 5, द लार्ज मसल ऑफ आर्म इज ए बाइसेप, बी ट्राइसेप, सी ट्रिसेप, डी पेंटासेप। सो द करेक्ट आंसर इज ए बाइसेप, यानी जो लार्ज मसल है आर्म की वो कौन सी होती हैं, बाइसेप होती हैं। नंबर 6, द बैंड ऑफ टफ फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू विच आर अटैच्ड टू द बोन एट जॉइंट आर कॉल्ड, ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी बाइसेप, डी ट्राइसेप। यानी वो बैंड टफ फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू का जो बोन के साथ अटैच हो जॉइंट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए लिगामेंट, बी टेंडन, सी बाइसेप, डी ट्राइसेप। सो द करेक्ट आंसर इज बी टेंडन। नंबर 7, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रेन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काल, यानी जो सॉफ्टनिंग और वीकनिंग होती है बोन में चिल्ड्रेंस में विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, ए ऑस्टियोपोरोसिस, बी ऑस्टियो आर्थराइटिस, सी रिकेट्स, डी रिमेटिक फेवर। सो द करेक्ट आंसर इज सी रिकेट्स। नंबर 8, द मसल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेथन द लिम्ब इज ए लिगामेंट, बी स्केलेटन मसल, सी फ्लेक्सर, डी एक्सटेंसर। यानी वो मसल्स जो आपके लिम्ब को सीधा करने में मदद करें, स्ट्रेथ करने में मदद करें, तो वो कौन सी मसल्स होती हैं, डी एक्सटेंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 9, द पेयर ऑफ मसल्स वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड, वो पेयर ऑफ मसल्स जो एक दूसरे के अपोजिट काम करें, उसे हम क्या कहते हैं, ए एंटागोनिस्ट, बी कार्डिक, सी स्मूथ, डी अबडक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंटागोनिस्ट। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। So if you are new on my channel, then please subscribe my channel, and if you have any suggestion, you can suggest me through comment section. Thank you for watching this video.